ओके सर, थैंक यू। ओके, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। ऑल बीएमसी ऑफिसर्स, नोडल ऑफिसर्स दिशान सर, ऑल बीओस, ऑल टीचर्स एंड ऑल स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते। प्यारे दोस्तों, टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट अ लेसन 4.4 Unbeatable Super Mom Marie Kom Part First. Second part we will take in our next lecture, Inshallah. Today we will cover the first part. As you know, all the students, all the friends, that there should be a success story of someone to boost ourselves, to encourage ourselves. Suppose Kapil Dev, Sachin Tendulkar, Saina Nehwal, Sania Mirza. These are the successful people. But they have got some boost and encouragement from others. So the same way, today we are going to study and learn about some special person who is our topic title. She got boost and encouragement from the others. So friends, here I would like to raise one point, that there are so many people who have talent in different lines, but yet who have never accomplished anything. Why? Because they are afraid to make their first venture. In this way, many good things and useful things are lost to the world. So a reasonable amount of confidence for achieving or getting the success, we have to muster it, we have to collect it to achieve that success. Without hard working, without dedication, without sacrifice, we are unable to achieve the success. So here we have the same story of such person. Her name was, or her name is Marie Kom. So Marie Kom was a very nice athletic, but especially this chapter is about unbeatable super mom Marie Kom. So here I would like to do one exercise with you. मैं आपके साथ एक exercise कर रहा हूँ. जैसे for example, अभी मैं एक सवाल आपके सामने, पहले तो मैं सब बच्चों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि सब लोग अपनी कोर्स बुक को अपने साथ रखिए और उस कोर्स बुक के पेज नंबर 146 को आप देखेंगे. पेज नंबर 146 आपकी इंग्लिश की किताब, आपकी इंग्लिश की कोर्स बुक दसवीं की, पेज नंबर 146, 146 सफा. उसमें चीट चैट में पहला क्वेश्चन है दोस्तों, पहला सवाल ये है के इंडियन वुमन हु हैव मेड इट टू इंडी इंटरनेशनल लेवल्स इन स्पोर्ट्स एंड गेम्स. ऐसी कौन सी, वो कोई भी एक आप ले सकते हो, एक इंटरनेशनल ऐसी इंडियन वुमन, हिंदुस्तानी औरत, जिसने के इंटरनेशनल लेवल में स्पोर्ट्स और गेम्स में अपना नाम जो है वो रोशन किया है. तो हम इसको आपस में अभी डिस्कस करते हैं. अब फॉर एग्जाम्पल मैं आपको यहाँ पर एक ऐसा कैरेक्टर बताता हूँ जिनके बारे में हम कुछ मुख्तसर में एक मिनट में जानेंगे, उसके बाद फिर मैं हम अपने टॉपिक की तरफ चलेंगे दोस्तों. तो मैं ऐसे कैरेक्टर को जानता हूँ जिसका नाम है ललिता शिवजी बाबर. ये उस स्पोर्ट्स पर्सन का नाम है, एक लेडीज है. एक्चुअली हमने ज्यादातर ये देखा है कि जेंट्स लोग जो होते हैं, मेल डोमिनेटेड वर्ल्ड है, मेल ज्यादा होते हैं, जेंट्स लोग ज्यादा होता है स्पोर्ट्स में, लेडीज लोग कम होती है. लेकिन अगर लेडीज लोग अगर इसमें इंटरनेशनल स्पोर्ट्स में आ रही है तो ये बहुत ही ज्यादा फक्र की बात होना चाहिए दोस्तों. तो अब देखिए यहाँ पे नेम ऑफ द स्पोर्ट्स पर्सन में पहला कैरेक्टर मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ कि ललिता शिवजी बाबर. ओके, और इसका स्पोर्ट्स और गेम क्या था, लॉन्ग डिस्टेंस रनिंग. मतलब ऐसी रनिंग जिसमें उछल उछल कर दूर दूर तक जो है रनिंग करना पड़ती थी. तो इसमें उन्होंने अपना मुकाम हासिल किया. और उनका रिकॉर्ड क्या था, किस लेवल तक वो पहुंची, वर्ल्ड चैंपियनशिप ओलंपिक गेम तक पहुंची दोस्तों.
एंड उसकी आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट्स जो थी स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर अवार्ड 2015 में उन्होंने इंटरनेशनल लेवल पर स्पोर्ट्स पर्सन का अवार्ड उन्होंने हासिल किया। साथ ही साथ उनका एक अवार्ड ऐसा है जो कि बड़ा ही मशहूर है हिंदुस्तानी लेवल पर, उनको अर्जुना अवार्ड मिला गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से, अर्जुना अवार्ड। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमने इतनी चीजें तो ले ली, अब एक स्पोर्ट पर्सन के बारे में हमने जान लिया जिसका नाम था ललिता शिवाजी बाबर। अब यहाँ पर हम जो है एक एक्सरसाइज और करेंगे, उसके बाद में आपको हमारा जो आज का टॉपिक है उसके बारे में एक्सप्लेन करूंगा। क्यों? चूंकि ये जो टॉपिक हमारा आज है ये स्पोर्ट्स और गेम्स पर बेस्ड है और उसका एक मशहूर कैरेक्टर है जिसका नाम है मैरी कॉम, उसके बारे में। तो उससे पहले हम स्पोर्ट्स के बारे में एक छोटी सी इंफॉर्मेशन और लेते चलेंगे दोस्तों। चलिए अभी देखिए, मैंने यहाँ पर एक टेबल बनाया है दोस्तों, इस टेबल को आप देखिए। तो मैंने यहाँ पे चार कॉलम बनाए हैं, पहला है नेम ऑफ स्पोर्ट एंड गेम, सेकंड है प्लेस वेयर प्लेड, तीसरा है इंडिविजुअल और टीम इवेंट, चौथा है स्पोर्ट्स इक्विपमेंट्स। ठीक है, ये चार पॉइंट है दोस्तों। अभी एग्जाम में भी आपको इस तरीके से आ सकता है कि पॉइंट दिए रहेंगे और उसको टेबल को आपको फिल करना होगा दोस्तों, इस टेबल को फिल करना होगा। अब जैसे यहाँ पे पहली एग्जाम्पल जो है पूरी आपको सॉल्व करके बता दी गई है। जैसे पहला जो गेम और स्पोर्ट है वो है बॉक्सिंग। तो अब कहाँ प्लेस वेयर प्लेट, कहाँ खेला जाता है, तो बॉक्सिंग कहाँ खेली जाती है, कहाँ ये गेम होता है, तो यहाँ पर आपको लिखना होगा रिंग। ये पहले से लिखा हुआ रिंग, तो बॉक्सिंग जो है रिंग में खेली जाती है। अभी अच्छा, अब ये जो बॉक्सिंग है इसको इंडिविजुअल खेलते हैं कि टीम के साथ खेलते हैं, तो इसका जवाब है इंडिविजुअल। इंडिविजुअल का मतलब होता है वन बाय वन, एक दूसरे के सामने मुकाबला करना होता है। इंडिविजुअल मतलब इंफरादी तौर पर, है ना। और इसके अंदर जो है कौन सी चीजें दरकार होती है, स्पोर्ट्स और इक्विपमेंट, मतलब उसके साथ वो सामान क्या होता है बॉक्सिंग के अंदर। तो बॉक्सिंग के अंदर ज्यादा कुछ नहीं, सिर्फ एक बॉक्सिंग ग्लव्स जो होते हैं, जो दस्ताने होते हैं, उसको पहनकर बॉक्सिंग की जाती है रिंग के अंदर। तो यहाँ पे हमने लिख दिया बॉक्सिंग ग्लव्स। अब देखिए यहाँ सेकंड में शूटिंग, शूटिंग भी एक स्पोर्ट्स है, एक गेम है। कहाँ पे खेला जाता है, प्लेस वेयर प्लेड, तो शूटिंग जो है शूटिंग रेंज में खेली जाती है, एक ऐसी जगह जहाँ पे एक फासला होता है, एक रेंज होता है, जैसे फॉरेस्ट है या ओपन फील्ड है, ओपन मैदान है, खुला मैदान है, या फिर कोई ऐसी जगह पर जहाँ पर के जानवर नहीं आते हो और या कोई आम पब्लिक ना आती हो, तो ऐसी खुली जगह पर जो है शूटिंग रेंज पर खेला जाता है। अच्छा, अब ये जो शूटिंग है ये इंडिविजुअल खेला जाता है या टीम इवेंट होता है, मतलब इंफरादी तौर पर अकेले खेला जाता है या कि पूरी टीम मिलके खेलती है, तो इसका जवाब क्या होगा दोस्तों कि ये जो है इंडिविजुअल खेला जाता है। तो यहाँ पर आप जो है इंडिविजुअल जो है वो लिख सकते हो, इंडिविजुअल खेला जाता है। फिर इसके अंदर क्या आपको स्पोर्ट्स का इक्विपमेंट यूज करना पड़ता है शूटिंग में, तो शूटिंग में अगर बंदूक नहीं होगी तो शूटिंग कैसे करेंगे दोस्तों, तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं राइफल और दूसरा शूटिंग स्टैंड। शूटिंग स्टैंड, एक स्टैंड होता है, एक स्टैंड होता है जिसके ऊपर राइफल को रखते जो है वो गोली चलाई जाती है दोस्तों किसी भी टारगेट पर। बिल्कुल उसी तरीके से एक और खेल है हॉकी। अब हॉकी कहाँ खेली जाती है दोस्तों, प्लेस वेयर प्लेड। अब देखिए हॉकी रिंग में तो खेली नहीं जाती, शूटिंग रेंज में तो खेली नहीं जाती, तो फिर हॉकी कहाँ खेली जाती है, हॉकी जो है ग्राउंड में खेली जाती है दोस्तों। तो यहाँ पर आप लिखेंगे ग्राउंड, ओके। अब हॉकी जो है इंडिविजुअल खेली जाती है या टीम इवेंट होता है, ये मतलब इंफरादी तौर पे खेली जाती है कि टीम के साथ खेली जाती है, तो आपको पता है हॉकी जो है बहुत सारे लोग मिलकर खेलते हैं, दो टीमें मिलकर खेलती है, तो यहाँ पर आप बता सकते हो टीम, टीम मतलब ग्रुप ऑफ प्लेयर्स, ओके। इसी तरीके से इसके अंदर आप हॉकी में ग्राउंड में खेला जाता है, टीम के साथ खेला जाता है, इसमें स्पोर्ट्स इक्विपमेंट क्या होते हैं, इसमें क्या इक्विप साजो सामान क्या लगता है, इक्विपमेंट मतलब साजो सामान, तो इसमें आप बता सकते हो हॉकी स्टिक, है ना, हॉकी स्टिक और बॉल,
हॉकी स्टिक और बॉल, ये दो चीजें दरकार होती है, जरूरत पड़ती है। तो हॉकी हो गया, बिल्कुल उसी तरीके से दोस्तों फुटबॉल। फुटबॉल कहाँ खेला जाता है दोस्तों? आपको मालूम है घर में तो फुटबॉल खेला नहीं जाता है, फुटबॉल खेला जाता है ग्राउंड में। तो यहाँ पर आप लिख सकते हो ग्राउंड, ओके। बिल्कुल उसी तरीके से फुटबॉल भी जो है ग्राउंड में जब खेला जाता है तो टीम के साथ खेला जाता है या इंडिविजुअल खेला जाता है? बिल्कुल ये भी गेम जो है वो स्पोर्ट जो है वो टीम के साथ खेला जाता है, दो टीमें खेलती है। अच्छा, फुटबॉल में इक्विपमेंट क्या लिया जाता है, साजो सामान क्या होता है? फुटबॉल में सिर्फ एक ही सामान होता है, दैट इज कॉल्ड फुटबॉल। फुटबॉल अगर हम और ज्यादा गौर करें कि और क्या होना चाहिए फुटबॉल के अंदर, तो ज्यादा से ज्यादा फुटबॉल के अंदर ग्राउंड के अंदर एक नेट होना बहुत जरूरी है, जरूरी होता है नेट। तो यहाँ पर नेट जो है ये हम दो इक्विपमेंट को यूटिलाइज कर सकते हैं फुटबॉल के अंदर, एक फुटबॉल और दूसरा नेट। बिल्कुल इसी तरह हॉकी के अंदर भी एक हॉकी स्टिक, बॉल और नेट। चलिए अभी नेक्स्ट है बैडमिंटन। बैडमिंटन कहाँ खेला जाता है? कोर्ट में खेला जाता है दोस्तों। ये कोर्ट कौन सा है? ये हमारे अदालत वाला कोर्ट नहीं, ये कोर्ट होता है एक ऐसा इंडोर गेम्स टाइप का होता है, खुले में होता है, लेकिन उसके चारों तरफ जो है एक ऐसा कोर्ट बना दिया जाता है, दो साइड में दो इंडिविजुअल लोग मिलकर इसको खेलते हैं, उसको कहते हैं कोर्ट। तो ये भी गेम जो है ये इंडिविजुअल खेला जाता है, इंडिविजुअल। और समटाइम्स दोस्तों इसको पेयर में भी खेलते हैं, पेयर मतलब दो लोगों की जोड़ी के साथ भी खेला जाता है। और इसमें साजो सामान क्या लगता है, स्पोर्ट इक्विपमेंट्स क्या लगते हैं? रैकेट लगता है और शटल कॉक। आप लोगों ने बैडमिंटन खेले होंगे गली कूच में, खासतौर से रमजान के मौसम में, रमजान के दिनों में, रातों में, इफ्तारी के बाद और सहरी से पहले हमारे बच्चे, हमारे लोग जो है खेलते हैं इसको, गली मोहल्ले हमारे भरे रहते हैं। बिल्कुल उसी तरीके से टेनिस, देखिए टेनिस भी कहाँ खेला जाता है दोस्तों? टेनिस भी जो है वो कोर्ट में खेला जाता है, ओके। इसमें भी जो है इंडिविजुअल और पेयर के साथ खेला जाता है, इसमें भी रैकेट, रैकेट और बॉल ये इस्तेमाल किया जाता है दोस्तों। तो चलिए अब यहाँ पर हमने ये दो एक्सरसाइज तो कर ली, अब इसके बाद हम आते हैं हमारे टॉपिक अनबीटेबल सुपर मॉम की तरफ। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर आपको मैं लेसन जो है स्टार्ट करने से पहले एक वीडियो दिखाना चाहता हूँ, इस वीडियो को आप देखेंगे। जीशान सर प्लीज प्ले दैट वीडियो विच आई सेंट एट योर पर्सनल नंबर सर। जीशान सर कैन यू हियर मी प्लीज? सो if you will see this video, so you will understand the character we are going to we are about to learn. Zishan sir, please. Thank you sir. Now dear students, please watch this video. Mary Kom, unbeatable super mom. See, she is Mary Kom. She was very hard working, dedicated fighter. Sir, volume कीजिए.
ओके जीशांत सर, प्लीज पुट ऑफ दिस वीडियो, रिमूव दिस वीडियो. जीशांत सर, आई रिक्वेस्ट यू, प्लीज स्टॉप दिस वीडियो नाउ. थैंक यू सर. ओके, थैंक यू वेरी मच. नाउ फ्रेंड्स, दोस्तों, अभी आपने ये वीडियो जो देखा, जो वीडियो मैंने आपको बताया दोस्तों, ये वीडियो था एक वॉरियर मैरी कॉम. वॉरियर का मतलब होता है जंगजू, जो जंग लड़ता है, एक फाइटर. तो इसका मतलब ये नहीं कि हमारा जो मेन कैरेक्टर है अनबीटेबल सुपर मॉम मैरी कॉम, जो हमारा कैरेक्टर है, ये कोई जंग में जाके लड़ती थी नहीं, बल्कि शी वॉज ए स्पोर्ट्स पर्सन. अभी इन्होंने क्या है कि 2012 में हमको ओलंपिक मेडल जिताया. अब आइए हम इसकी स्टोरी लेकर चलते हैं. अनबीटेबल सुपर मॉम, सबसे पहले मैं आपको ये बताता चलूं कि अनबीटेबल का मतलब क्या होता है. अनबीटेबल का मतलब होता है अनडिफीटेबल. दोस्तों, आप अपनी बुक लेकर बैठिए सामने और अपनी एक पेन भी लेके बैठिए. आपको अभी मैं पूरा लेसन जो है अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ, समझाता हूँ, और उसके बाद आपको खुद ब खुद समझ में आ जाएगा कि हम कितनी बड़ी महान हस्ती के बारे में पढ़ रहे हैं. तो अनबीटेबल का मतलब होता है अनडिफीटेबल. अनडिफीटेबल मतलब कि जिसे हराया नहीं जा सकता, जिसे शिकस्त नहीं दी जा सकती. तो ऐसे ही हमारा कैरेक्टर है. और उनको देखिए, टाइटल में ही जो है सुपर मॉम कहा गया है, मतलब माँ कहा, एक सुपर माँ, सुपर माँ, जिनका नाम था मैरी कॉम. एक्चुअली हम पढ़ रहे हैं स्पोर्ट्स के बारे में, शी वॉज ए स्पोर्ट्स पर्सन, है ना, लेकिन यहाँ उनका टाइटल जो दिया है सुपर मॉम दिया गया है. आइए देखते हैं. तो अब यहाँ पर पहली लाइन देखते हैं कि देयर हैड टू बी वन सक्सेसफुल स्टोरी इफ इंडियंस वर टू सर्वाइव इन स्पोर्ट्स. अब मैं दोस्तों आपको देखिए बोर्ड के जरिए समझाता हूँ. यहाँ पर आप बोर्ड के ऊपर देख सकते हो कि हम जो कैरेक्टर के बारे में पढ़ रहे हैं, ये एक सुपर मॉम के कैरेक्टर के बारे में पढ़ रहे हैं. और सुपर मॉम का जो कैरेक्टर है वो है मैरी कॉम. अब मैरी कॉम कौन है दोस्तों? हाँ दोस्तों, तो हमारा जो कैरेक्टर है मैरी कॉम, हाँ दोस्तों, हमारा जो कैरेक्टर है मैरी कॉम, इसके बारे में हम देख रहे हैं. तो ये कैरेक्टर जो है, ये एक ऐसे कैरेक्टर के बारे में हम पढ़ रहे हैं कि इससे पहले हमें कोई फीमेल मतलब लेडीज में हमारे पास ऐसी कोई एग्जाम्पल नहीं थी. मैरी कॉम के अलावा कोई एग्जाम्पल नहीं थी कि जिसको देखकर हमें जो है इंस्पिरेशन मिले, जिसे देखकर हमें एनकरेजमेंट मिले कि हाँ, मुझे भी इसके जैसा बनना है, मुझे भी मैरी कॉम की तरह बनना है या किसी और स्पोर्ट्स की तरह पर्सन की तरह बनना है. तो ये हिंदुस्तानियों के पास स्पेशली किस चीज में? बॉक्सिंग में. किसमें? बॉक्सिंग में. अब देखिए, आप सोच रहे होंगे बॉक्सिंग में, तो हिंदुस्तान में बहुत सारे बॉक्सर पैदा हुए हैं, जैसे हमारे विजेंदर है, तो उन्होंने भी बॉक्सिंग में बड़ा नाम कमाया है. और इसके अलावा और भी बहुत, डिंको जी है, उन्होंने भी बॉक्सिंग में बड़ा नाम कमाया है. लेकिन फीमेल में, लेडीज में कोई बॉक्सर नहीं था, इसलिए बॉक्सिंग में जो है मैरी कॉम जो थी वो पहली वुमन थी, पहली औरत थी जिन्होंने एक मिसाल कायम की. और हिंदुस्तान को अगर स्पोर्ट्स में सरवाइव करना था, उसका नाम आगे बढ़ाना था, तो ऐसी एग्जाम्पल सेट होना जरूरी थी. अब जो है हिंदुस्तान के पास ऐसी एग्जाम्पल, ऐसी कामयाब एग्जाम्पल है. Enough has been said about this great warrior. तो देखिए, इनको मैरी कॉम को क्या कहा जा रहा है दोस्तों? Great warrior कहा जा रहा है. Great warrior मतलब ये एक warrior थी, एक लड़ाका थी, एक ऐसी fighter थी जो कि कभी भी किसी भी परिस्थिति में, किसी भी हालात में जो है वो डरती नहीं थी, पीछे नहीं हटती थी. और who conquered the world, जिसने दुनिया को फतेह की. ग्रेट वॉरियर थी और उसने क्या की? कॉन्कर्ड
द वर्ल्ड, दुनिया फतेह करना। अब क्या ये दुनिया फतेह करने से मतलब ये है कि इट इज अ लॉजिकल सेंटेंस दोस्तों, दुनिया फतेह करना मतलब दुनिया में अपना नाम पैदा करना, अपना नाम रोशन करना, अपने देश का नाम रोशन करना और अपने मुल्क को और अपने हिंदुस्तान को और अपने आप के ऊपर लोगों को प्राउड कराना। तो ये इसे कहते हैं किसी का मतलब किसी का दिल जीत लेना दोस्तों। तो कॉन्कर्ड द वर्ल्ड का मतलब हुआ किसी का दिल जीत लेना। तो मैरी कॉम ने पूरी दुनिया का दिल जीता और इस तरह से दिल जीता कि आज हम उनके उसके उनके नाम के लेसन को पढ़ रहे हैं और उससे हम इंस्पिरेशन ले रहे हैं दोस्तों। बिल्कुल इसी तरीके से आप देख सकते हो दोस्तों आगे, एंड दिस वॉर इज नन अदर देन मैरी मंगटेकॉम। इनका पूरा नाम था मैरी, बीच में उनका एक और नाम आता है मैंगटे मैंगटेकॉम, मैरी मैंगटेकॉम। मैरी उनका नाम था और मैंगटे उनके साथ लगता है मैंगटे, और कॉम उनका जो है सर नेम था दोस्तों कॉम। अब देखिए आगे का जो सेंटेंस है ना उसमें क्या दिया है कि मैरी मैंगटेकॉम द कॉमकोरर एंड द कॉमरेड। यहाँ दो वर्ड ऐसे दिए है दोस्तों जिससे आप पढ़ेंगे तो बोलेंगे ये तो कोई वर्ड होते ही नहीं डिक्शनरी में, ये दो वर्ड है ही नहीं, लेकिन इस कैरेक्टर ने अपनी छवि इस तरीके से बनाई कि उसके नाम के साथ उन दो वर्ड को जोड़ दिया गया। हिंदुस्तानियों ने इस तरीके से किया, ये किसी को इज्जत देने का बहुत बड़ा जरिया है दोस्तों। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे जो दो वर्ड किताब में दिया है कॉमकोरर कॉमकोरर, ठीक है, और दूसरा वर्ड क्या बता रहा है कॉमरेड कॉमरेड। अब देखिए दोस्तों ये दोनों वर्ड जो है ये हमारी डिक्शनरी में कहीं भी नहीं मिलेंगे दोस्तों, कॉमकोरर और कॉमरेड ये हमारी डिक्शनरी में कहीं भी नहीं मिलने वाले, लेकिन ये वही वर्ड है जो हम पढ़ते हैं जो हम समझते हैं। कॉमकोरर का मतलब होता है कॉनकोरर कॉनकोरर, और कॉमरेड का मतलब होता है कॉमरेड जो कि सी से स्टार्ट होता है कॉमरेड। अब यहाँ पर देखिए मैं दोनों का मीनिंग बताता हूँ आपको। कॉनकोरर का मतलब होता है जो जीत हासिल कर लेता है, फतेह हासिल कर लेता है, लोगों के दिलों को जीत लेता है, कब्जा कर लेता है, उसको कहते हैं कॉनकोरर। तो इसका एक्चुअली क्या है सरनेम जो है कॉम है, मैरी कॉम का सरनेम जो है कॉम है, तो कॉम से बना दिया गया है कॉमकोरर और कॉमरेड से बना दिया गया है कॉमरेड उनके सरनेम के साथ, कॉम कॉम कॉमकोरर और कॉमरेड। और कॉमरेड का मतलब होता है एक अच्छा साथी एक अच्छा दोस्त। कॉमरेड मतलब वो शख्स जो किसी को इंस्पिरेशन देता है, किसी की लड़ाई लड़ने में उसका साथ देता है, किसी की मजबूरी में किसी की परेशानी में उसका साथ देकर उसको विक्टोरियस बनाता है, उसको जीतने वाला बनाता है, तो उसको कहते हैं कॉमरेड। तो देखिए हमारा जो इंग्लिश की डिक्शनरी का जो वर्ड है कॉमरेड सी ओ एम आर ए डी ही है और कॉनकरर में सी ओ एन क्यू यू ई आर ओ आर है, लेकिन इन्होंने इस तरीके के अचीवमेंट्स की है मैरी कॉम जी ने कि उनके सरनेम जो कॉम है कॉम से कॉन्करर बन गया और कॉम से कॉमरेड बन गया। तो ये बड़ी ही इंटरेस्टिंग बात है जो मैंने आपको बताई यहाँ पर। अब आगे की लाइन देखते हैं दोस्तों, एंड शी इज फेम्ड एज ए 5 times वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियन। उसने अभी देखिए दोस्तों मैं इस चैप्टर को आपको एक्सप्लेन तो कर रहा हूं लेकिन एक्सप्लेन करते करते आप लोग ये जो मेन पॉइंट जब मैं बोर्ड के ऊपर लिखता हूँ दोस्तों तो आप अपने मोबाइल की स्क्रीन से जो है उसका स्क्रीनशॉट निकाल लिया करो, और स्क्रीनशॉट निकाल लेंगे तो ये आपको मेन पॉइंट्स मिल जाएंगे, ठीक है, और इसके बाद फिर मैं सेकंड जब आगे का पैराग्राफ एक्सप्लेन करूंगा फिर उसके मेन पॉइंट्स लिखूंगा, फिर उसको आप क्लिक कर लीजिए स्क्रीनशॉट निकाल लीजिए, ओके। चलिए अब मैं इसके आगे के पॉइंट आपको एक्सप्लेन करूंगा। आगे के पॉइंट ये बताते हैं दोस्तों कि जैसे शी इज फेम्ड एज ए 5 times वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियन, शी वॉज, शी मतलब कौन, हमारा जो मेन कैरेक्टर है मैरी कॉम, क्या थी ये 5 times चैंपियन, ये 5 times चैंपियन थी, और इस वो भी किसमें वर्ल्ड बॉक्सिंग में 5 times चैंपियन इन वर्ल्ड
बॉक्सिंग। अब देखिए, एक लेडीज को जो कि बॉक्सिंग करती है, 5 मरतबे वो जीती है, तो ये कितना बड़ा अचीवमेंट है दोस्तों। इसी के साथ साथ ऑल्सो वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियन एंड द ओनली बॉक्सर टू विन अ मेडल इन एवरी वन ऑफ द 6 वर्ल्ड चैंपियंस। मैरी कॉम एक ऐसी बॉक्सिंग चैंपियन थी जिसने 6 वर्ल्ड कप में हिस्सा लिया और 6 बार उसने जो है मेडल हासिल की। ये देखिए दोस्तों, ये 6 टाइम उसने पार्ट लिया, 6 टाइम्स पार्ट लेना और 6 टाइम्स अवार्ड मेडल ये सब उसने हासिल किया दोस्तों, 6 टाइम। तो जब जब उस मैरी कॉम जी ने मुकाबले में हिस्सा लिया वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप में, तब तब उन्होंने जो है वो कभी सिल्वर मेडल हासिल किया, कभी ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया, है ना। इस तरीके से बिल्कुल उसी तरीके से इन द 2012 ओलंपिक्स, 2012 के ओलंपिक्स में शी बिकेम द फर्स्ट इंडियन वुमन बॉक्सर टू क्वालिफाई एंड विन अ ब्रॉन्ज मेडल इन द 51 kg फ्लाइट कैटेगरी ऑफ बॉक्सिंग। फ्लाइट कैटेगरी ऑफ बॉक्सिंग, इट इज अ कैटेगरी काइंड ऑफ द बॉक्सिंग, बॉक्सिंग के किस्म है दोस्तों जिसे के फ्लाइट कैटेगरी ऑफ बॉक्सिंग कहा जाता है, वो भी 51 kg का। हर स्पोर्ट पर्सन का जो वेट के हिसाब से, आपने दंगल पिक्चर देखी होगी, उसमें कुश्ती होती है, रेसलिंग होती है, तो वेट के अकॉर्डिंग होती है। हर पहलवान का वेट सेम टू सेम होता है जब वो बॉक्सिंग करते हैं या कुश्ती लड़ते हैं। तो इन्होंने 51 kg 51 किलोग्राम की बॉक्सिंग में हिस्सा लिया और उसमें उन्होंने ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया। नेक्स्ट पैराग्राफ में आप देख सकते हैं दोस्तों कि इन्होंने 2012 में, 2012 के ओलंपिक में क्या हासिल किया, ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया दोस्तों, ब्रॉन्ज ब्रॉन्ज मेडल। सबसे पहली बात तो दोस्तों, ओलंपिक तक पहुंचने का जो सफर है, ये सफर ही अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है, खास तौर से किसी लेडीज के लिए, किसी वुमन के लिए। तो क्योंकि ये जो वर्ल्ड है ये मेल डोमिनेटेड वर्ल्ड है, और ऐसी मेल डोमिनेटेड वर्ल्ड में, मतलब जहाँ पे मर्द मर्द ही मर्द जो है छाए हुए और नीचे से लेके ऊपर तक, ऐसी जगह पे अगर कोई लेडीज हिस्सा लेती है, वर्ल्ड तक पहुंचती है, वर्ल्ड लेवल के चैंपियनशिप तक पहुंचती है और उसको जीतती भी है, तो ऐसी ऐसे कैरेक्टर को हमें सलाम करना चाहिए और ऐसे कैरेक्टर से हमें सीखने के लिए मिलता है। मैरी कॉम जी ने हमें ये बताया है कि हम किसी भी चीज को हासिल कर सकते हैं हमारे हार्ड वर्किंग के जरिए, हमारे डेडिकेशन के जरिए, हमारे सेक्रीफाइस के जरिए, हमारे डिटर्मिनेशन के जरिए। हमारा अगर पक्का इरादा हो तो हम हर चीज को हासिल कर सकते हैं दोस्तों। अब आगे एक पैराग्राफ और लेते हैं दोस्तों। कॉम वॉज बॉर्न इन कैंगथेई विलेज। अब देखिए, मैं आपको नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर वापस से समझाता हूँ, इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं दोस्तों। अब मैरी कॉम कहाँ पैदा हुई, उनकी पैदाइश के बारे में बताया जा रहा है। मैरी कॉम बॉर्न, कहाँ बॉर्न पैदा हुई हो, कैंगथेई विलेज में, कैंगथेई विलेज। देखिए, ये स्मॉल स्मॉल पॉइंट्स है, जब आप इन पॉइंट्स को देखेंगे ना दोस्तों, तो आपको उस लेसन को दोबारा पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, सिर्फ आप उसके मेन मेन पॉइंट्स को समझ लेंगे तो आपको लेसन समझ में आ जाएगा। अब कैंगथेई विलेज में कहाँ पे दोस्तों, मोइरंग लामखाई, मोइरंग मोइरंग लामखाई, मोइरंग लामखाई, चूरा चंदपुर, चूरा चंद पूर, यहाँ पर वो पैदा हुई। और ये कहाँ पर है, ये मणिपुर में दोस्तों। मतलब क्या हुआ आपको, आप यहाँ पर क्या समझ में आया दोस्तों, कि बेसिकली मैरी कॉम जो थी वो मणिपुर से रिलेटेड थी। मणिपुर जो है हमारे हिंदुस्तान की एक ईस्ट इंडिया में, ईस्टर्न इंडिया में एक स्टेट है दोस्तों, मशरकी हिंदुस्तान की एक रियासत है जिसका नाम है मणिपुर। और मणिपुर में मैरी कॉम जो थी वो कैंगथेई विलेज में पैदा हुई, जो कि मोइरंग लमखाई
चूराचंदपुर के करीब है और मणिपुर वो स्टेट का नाम है जहां पे मैरी कॉम जो है वो पैदा हुई दोस्तों। अब देखिए हर पेरेंट्स अब शी केम फ्रॉम अ पुअर फैमिली। अब ये कैसे, कोई बहुत बड़े घर की नहीं थी मैरी कॉम जो थी, वो कहां से ताल्लुक रखती थी? पुअर फैमिली। पुअर फैमिली, पुअर फैमिली का क्या मतलब हुआ दोस्तों? पुअर फैमिली का मतलब वो गरीब फैमिली से, एक छोटे मोटे परिवार से उसका मैरी कॉम जी का ताल्लुक था, छोटे से परिवार से उसका ताल्लुक था, गरीब थे वो। लेकिन गरीबी कोई किसी को रोक सकती है क्या? अगर वो कामयाब होना चाहता है, उसका इरादा अगर पक्का है तो। आज देखिए हम मैरी कॉम जी के बारे में पढ़ रहे हैं, मतलब उन्होंने कितनी कोशिश मेहनत की कि आज हम उनको सिलेबस में पढ़ रहे हैं, हम ही नहीं पढ़ रहे हैं पूरा हिंदुस्तान पढ़ रहा है दोस्तों। अब इसी के साथ हर पेरेंट्स, अब उनके पेरेंट्स के बारे में भी हम जान लेते हैं दोस्तों। हर पेरेंट्स उनके जो पेरेंट्स थे वो कौन थे? उनके पेरेंट्स में जो थे मैंगटे टोनपा कॉम और उनकी माँ का जो नाम था, उनकी माता जी का नाम था मैंगटे अखम कॉम। ये कॉम जो है दोस्तों उनका फैमिली का सरनेम है। तो उनके फादर का नाम था मैंगटे टोनपा और उनकी माता जी का नाम था, उनकी मम्मी का नाम था मैंगटे अखम कॉम। हर पेरेंट्स उनके माता पिता का नाम था, मैरी कॉम के पेरेंट्स का नाम था मैंगटे टोनपा कॉम, उनके फादर इनको हम कहेंगे फादर, और मैंगटे अखम कॉम मदर, ये उनकी माता जी थी, ये उनकी वालदा थी दोस्तों। इसी के साथ अखम मैंगटे टोनपा कॉम एंड अखम कॉम वर टेनेंट फार्मर्स हु वर्क्ड इन झूम फील्ड। अब देखिए यहां पर मैं आपको एक चीज और बताता चलूं कि मैरी कॉम जो थी वो और उसके पेरेंट्स जो थे वो झूम फील्ड में काम करते थे एज ए टेनेंट फार्मर। हर पेरेंट्स उसके जो पेरेंट्स थे एज ए टेनेंट फार्मर कहाँ काम करते थे दोस्तों? झूम फील्ड में काम करते थे। झूम फील्ड ये एक ऐसी फील्ड है दोस्तों, ये एक ऐसा फार्म हाउस होता है जब ये लोग जो है इनके छोटे छोटे कबीले होते हैं, कौम जो है एक ट्राइब है, एक कबीला है, तो ये लोग जो है एक जगह से दूसरी जगह उस इलाके में घूमते रहते हैं, और जहाँ छोटे छोटे फार्म हाउस होते हैं, छोटे छोटे खेत होते हैं, छोटी छोटी फील्ड होती है जहाँ पे मुख्तलिफ किस्म की काश्तकारी की जाती है। तो मैरी कॉम के जो पेरेंट्स थे मैंगटे टोनपा कॉम और मैंगटे अखम कॉम, ये झूम फील्ड में किराए के किसान थे, टेनेंट फार्मर मतलब किराएदार किसान थे, डेली वेजेस पर, डेली उजरत पर वो खेतों में काम किया करते थे। एंड कॉम ग्रू अप इन हम्बल सराउंडिंग। कॉम जो है कैसी सराउंडिंग में पैदा हुई? ए वेरी हम्बल सराउंडिंग में। हम्बल सराउंडिंग का मतलब होता है दोस्तों एकदम सीधे साधे माहौल में, है ना। और मैरी कॉम का जो बचपन था वो एकदम सीधे साधे माहौल में। अब खेतों में अगर कोई काम कर रहा है, माँ बाप भी मजदूरी वाले मजदूर किसान हैं और छोटी गरीब फैमिली है, तो कोई हाई उनका कोई फैशनेबल काम तो नहीं होगा, सीधे साधे लोग थे। ऐसी फैमिली में वो पैदा हुई, उनका बचपन गुजरा। हेल्पिंग हर पेरेंट्स विद फ्रॉम फार्म रिलेटेड चोरस, खेतों के जो काम थे उसमें वो अपने पेरेंट्स की मदद करती थी। मैरी कॉम हेल्प्स किसे? हर पेरेंट्स। देखिए यहाँ पे मैरी कॉम हेल्प किसे? हर पेरेंट्स। फार्म रिलेटेड चोरस में मतलब खेतों से जुड़े जो भी काम होते थे उसमें मैरी कॉम जो थी अपने पेरेंट्स की मदद भी किया करती थी।
अभी आज हम लोग अपने अपने बच्चों से अपने अपने माता पिता के बारे में आप सोचिए। अभी मैं स्टूडेंट्स लोगों से मुखातिब हूँ कि क्या हम अपने माँ बाप का पूरा कहना मानते हैं, उनका साथ देते हैं, वो जो बोलते हैं उनकी मदद करते हैं। करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं करते हैं तो हमें करना चाहिए दोस्तों। जैसे मैरी कॉम करती थी अपने पेरेंट्स की मदद, खेतों के काम में वो भी, घर के काम में भी करती थी और खेतों में भी काम करती थी दोस्तों। बिल्कुल इसी तरीके से वो साथ ही साथ गोइंग टू स्कूल एंड लर्निंग एथलेटिक्स इनिशियली एंड लेटर बॉक्सिंग साइमल्टेनियसली, तो वो स्कूल भी जाया करती थी। अभी यहाँ पर मैं देखिए आपको बताता हूँ, मैं अभी हमने मैरी कॉम के पेरेंट के बारे में भी जान लिया, वो कहाँ काम करते थे उसके बारे में भी जान लिया, मैरी कॉम किस सराउंडिंग से आती थी, हम्बल सराउंडिंग से आती, उसके बारे में भी हमने जान लिया। अब देखिए मैरी कॉम के जो है हम क्या वो क्या करती थी उसके बारे में जानते हैं कि वो जो है स्कूल जाया करती थी। शी गोज टू स्कूल बट साइमल्टेनियसली, साथ ही साथ, साइमल्टेनियसली साथ ही साथ वो एथलेटिक्स भी सीखती थी। लर्निंग एथलेटिक्स, लर्निंग एथलेटिक्स, वो एथलेटिक्स को भी सीखती थी और साथ ही साथ वो बॉक्सिंग को भी सीखती थी। देखिए एथलीट तो वो थी, खेलकूद करती थी स्कूल में अपने दोस्तों के साथ भी, लेकिन साथ ही साथ वो बॉक्सिंग भी करती थी दोस्तों। और हर फादर वॉज अ कीन रेसलर इन इस यंगर एज, उनके फादर के बारे में यहाँ बताया जा रहा है कि हर फादर वॉज कीन रेसलर। रेसलर कहते हैं दोस्तों पहलवान को, रेसलर, देखिए इसमें टी साइलेंट है। उसके जो मैरी कॉम के जो फादर थे ये एक रेसलर थे। हर हिस यंग एज, जब वो नौजवान थे, मैरी कॉम के फादर जब नौजवानी के आलम में थे तो वो एक अच्छे से रेसलर थे। ओके दोस्तों, अब देखिए नेक्स्ट पैराग्राफ की तरफ हम चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट में मैं आपको मैरी कॉम के बारे में जो है वो कुछ अलग पॉइंट्स बताता हूँ। जैसे कि यहाँ पे शी हैड एन ईगर इंटरेस्ट इन एथलेटिक्स सिंस चाइल्डहुड एंड द सक्सेस ऑफ डिंकोजी सिंह सेलो मणिपुर रिटर्न फ्रॉम 1998 बैंकॉक एशियन गेम्स। डिंकोजी, आपने इसका नाम नहीं सुना होगा लेकिन मैं आपको बताता हूँ कि डिंको जी, देखो इसमें जी साइलेंट है, डिंको जी, ये डिंको जी जो थे ये मणिपुर के ही रहने वाले थे दोस्तों। मणिपुर, मणिपुर जो हमारी स्टेट है छोटी मोटी ईस्ट इंडिया में, ईस्टर्न इंडिया में, मशरकी हिंदुस्तान में मणिपुर, तो यहाँ से इनका ताल्लुक था डिंको जी का। और डिंको जी जो थे वो एक बॉक्सर थे दोस्तों। क्या थे? एक बॉक्सर थे, लेकिन जेंट्स लोगों की तो मिसालें हमें देखने के लिए मिलती हैं कि ये कितने जेंट्स लोग जो है हर स्पोर्ट्स में, क्रिकेट में, फुटबॉल में, बॉक्सिंग में, रनिंग में, चेस में आपको देखने के लिए मिल जाएंगे, लेकिन फीमेल, लेडीज का नाम जो है नहीं आता था किसी भी गेम्स के अंदर, स्पेशली बॉक्सिंग में। लेकिन जब मैरी कॉम जी ने डिंको जी को देखा कि वो बॉक्सिंग जो है वो जीत कर आए हैं और पूरे मणिपुर में उनका नाम जो हो गया, और डिंको जी ने जो बैंकॉक, बैंकॉक में, बैंकॉक एशियन गेम में, बैंक बैंकॉक, बैंकॉक का जो एशियन गेम था दोस्तों, एशियन गेम्स, वो भी कब, 1998 में, 1998 में इन्होंने गोल्ड मेडल हासिल किया दोस्तों, गोल्ड मेडल, गोल्ड मेडल। तो अब डिंको जी ने जब गोल्ड मेडल हासिल कर लिया 1998 में बैंकॉक के एशियन गेम में, जो के मणिपुर के रहने वाले थे डिंको जी, तो डिंको जी को देखकर मैरी कॉम के मन में जो है एक तो इंस्पिरेशन मिली उनको, एक उनको एनकरेजमेंट मिला, एक मोटिवेशन मिला कि नहीं मुझे भी बॉक्सिंग करना चाहिए। क्योंकि डिंको जी को वो जब भी देखती थी, उनके बारे में सुनती थी, तो उनको बड़ा जोश आ जाता था। हर किसी इंसान का एक मॉडल होता है, एक आइडियल होता है जिसे देखकर वो कुछ ना कुछ सीखता है, कुछ ना कुछ बनने की
कोशिश करता है दोस्तों, बिल्कुल उसी तरीके से जो है डिंको जी को देखकर हमारी जो मैरी कॉम जी है वो बड़ी उनसे इंस्पायर होती थी। और फिर इसके बाद उन्होंने मणिपुर के लिए बॉक्सिंग खेलने के लिए कोशिश शुरू कर दी। अब इसका लास्ट पैराग्राफ बता रहा हूँ दोस्तों, दो मिनट में समझा दूंगा पैराग्राफ, फिर इसका सेकंड पार्ट इंशाल्लाह हम जो है नेक्स्ट लेक्चर में लेंगे और उसी में हम क्वेश्चन आंसर भी करेंगे इंशाल्लाह। आज जितना जरूरी है मैं उतना बता देता हूँ आपको। मैरी कॉम्स करियर स्टार्टेड इन 2000। देखिए अभी यहाँ पर मैं आपको इस लास्ट पैराग्राफ में बता रहा हूँ मैरी कॉम के करियर के बारे में। हाँ सर, ओके ठीक है सर, ओके फ्रेंड्स, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम जो है बाकी का और भी बहुत कुछ देखेंगे, मैरी कॉम जी के बारे में जानेंगे, साथ ही साथ हम इसकी वर्कशॉप एक्टिविटीज भी करेंगे, क्वेश्चन आंसर भी देखेंगे, ग्रामेटिकल आइटम भी देखेंगे। फिलहाल मैं अपने लेसन को, चैप्टर को, लेक्चर को यहीं खत्म करता हूँ। लेकिन खत्म करने से पहले मैं आप लोगों से कुछ क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ, अगर आपके पास कोई सवाल आता है तो आप पूछिए मुझसे, मैं उसके आंसर देता हूँ आपको इंशाल्लाह। इस लेसन से रिलेटेड आपको अगर कोई डाउट है तो आप मुझसे पूछिए दोस्तों, आप पूछ सकते हैं मुझसे। एनी क्वेश्चन प्यारे दोस्तों, मैरी कॉम इस चैप्टर के ताल्लुक से अगर आपके मन में कोई सवाल है तो पूछिए। सर वॉरियर मींस? हाँ बेटी, वॉरियर का मतलब होता है बेटा जंगजू, लड़ाका। वॉरियर, वॉरियर मतलब जंगजू, लड़ाका, लड़ने वाली, फाइटर। लेकिन अब एक्चुअली यहाँ पे वॉरियर का मतलब अब मैरी कॉम जी के कैरेक्टर के लिए बोला जा रहा है वॉरियर, तो वो जंगजू, लड़ाका, फाइटर, जंग में जाके लड़ती नहीं थी, बल्कि उसने अपने कैरेक्टर से बताया कि शी वॉज ए फाइटर, शी वॉज ए स्पोर्ट्स पर्सन। वो स्पोर्ट्स में उन्होंने इतनी जंग की तरह उसको स्पोर्ट्स को खेला कि उनको वॉरियर कहा जाने लगा बेटा। ठीक है, और कोई? सर टेनेंट फार्मर मतलब? हाँ बेटी, टेनेंट नहीं बोलते उसको, टेनेंट फार्मर बोलते बेटा, टेनेंट फार्मर। टेनेंट फार्मर का मतलब होता है किसी भी खेत में जाकर जो किराए पर जो खेती बाड़ी करते हैं, फार्मर का मतलब होता है किसान, और टेनेंट मतलब किराए से, जैसे किराए पर मतलब डेली वेजेस पे, डेली उजरत पर, रोजाना की पगार पर, तनख्वाह पर किसी के खेत में जाके जो काम करता है उसको कहते हैं टेनेंट फार्मर। सर साइमल्टेनियसली मतलब? हाँ बेटा, साइमल्टेनियस का मतलब होता है साथ साथ, मतलब साथ साथ वो एथलेटिक्स भी करती थी और बॉक्सिंग भी सीखती थी और स्कूल भी जाती थी। देखिए तीनों काम एक साथ करती थी बेटा वो मैरी कॉम जी, तो साइमल्टेनियसली मतलब साथ साथ। हम्बल सराउंडिंग? हाँ बेटा, हम्बल सराउंडिंग मतलब सीधा साधा साफ सुथरा माहौल, खेती बाड़ी का माहौल। हाँ बेटी जोर से बोलिए बेटा। वॉरियर का मतलब बेटा फाइटर, लड़ाका, किसी भी काम को शिद्दत से करने वाला। और कोई मेरी बहन, कोई मेरा भाई? मोर क्वेश्चंस फ्रॉम एनीबॉडी? थैंक यू वेरी मच, हियर आई कंक्लूड माय लेक्चर, अल्लाह हाफिज। वो तो कल पहला दिया गया था।